कर रहे हैं कि जोन उन पे बने, लेकिन वो बन नहीं रहा है। आज डेपोर ग्रैंड फाइनल्स का वापस से जो है एंटी जोन जा रहे हैं रेवेनेंट के अगेंस्ट, बट फिलहाल के लिए इतना टाइम देके जोन के बाहर ही वो स्पेंड कर रहे हैं। जब जोन के अंदर आएंगे मेरा मानना है कि उनके यूटिलिटी सबसे बढ़िया रहेंगे, इनफैक्ट उनका जो आर्मर एंड हेलमेट रहेगा वो भी ज्यादा अनस्केप्ड रहेगा। बट इसी बीच में हाइड्रा की टीम क्या डिसीजन लेती है यहाँ से, क्योंकि सर्कल का एज है उनके पास और काफी क्लोज मौजूद है उनके टीम तमिलास की टोली। टीम तमिलास अगर यहाँ पर अटैक करती है हाइड्रा के लिए मुश्किलें रहेंगी। इनफैक्ट अगर सर्कल फिर से सेंट्रल शिफ्ट लेता है, हिल टॉप का कंट्रोल लेगी और उसके बाद उसके लोअर कंपाउंड को कंट्रोल लेती हुई नजर आएंगी उसके थोड़ी देर बाद में। बट फिलहाल के लिए टीम तमिलास वर्सेस हाइड्रा, जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी ये कि अभी देखिए ये फाइट होना अनिवार्य है क्योंकि दोनों ही टीम्स को जोन के अंदर जाना है। स्प्रेगो और सोच रहे कि क्या लगाओ, मेडकिट लगाओ, फर्स्ट एड लगाओ, बैंडेज लगाओ, कुछ भी फायदा नहीं होगा, नेड आएगा और वहीं पे उनको किया गया है नॉकआउट। हाइड्रा चाहते हैं कि ओपनिंग नॉक उनको मिले लेकिन वो मिल नहीं रहा है और देखिए टीम तमिलास फायदा उठा के सीधा चढ़ जाने वाले, टूट पड़ने वाले वो हाइड्रा के खिलाड़ियों के ऊपर। रेवेनेंट को भी इसी बीच में एलिमिनेट किया जाएगा लेकिन टीम तमिलास वो रुक नहीं रहे हैं, लेकिन ये पुश उनके अगेंस्ट में जाता हुआ साबित हो रहा है। टीम तमिलास ने क्लोज पे बच्चे में 1v2 निकालना है, फॉक्स को नहीं कर पाएंगे वो। हाइड्रा 2v4 करते हुए नजर आई टीम तमिलास को। व्हाट अ टीम, व्हाट अ गेम, व्हाट अ शो। वहाँ पे डुअरा ओपी, चलिए वो आगे जाएंगे, रिवाइवल जरूर देते हुए नजर आएंगे। आप देखिए कितना ज्यादा लो ऑन एचपी वहाँ पे वो खिलाड़ी बचे हुए हैं, बट हेल हाइड्रा यहाँ पे पूरी तरीके से हो चुका है जिस प्रकार से वो 2v4 करके दिखाई। टीम तमिलास थोड़ा ज्यादा ही ऑफ गार्ड चले गए, उन्होंने कहा तो अब तो पुश कर ही देंगे, लेकिन हमने चर्चाएं शुरुआत में की थी DBS ये डबल बैरल शॉटगन एक मॉन्स्टर वेपन है और आप इसके आगे ऐसे इतना ओपन में आप नहीं जा सकते। और ये टाइम पहले वो दिए थे, अभी धीरे धीरे करके उनको भी वेयरहाउस से निकलना पड़ेगा। ब्लाइंड इसी बीच में देखिए फंस जाती है, पानी में तैरते हुए दो खिलाड़ी है, उनको स्पॉट शायद से कर लिया गया है। स्किप्स उनके अंदर आने की कोशिश नाकामयाब की जाएगी, नॉकआउट मिलेगा हाइड्रा को और हाइड्रा एक एक करके अपने फिनिशर्स में ला रहे हैं। छठा फिनिश पॉइंट उनके नाम, सातवां जोड़ दीजिए। हाइड्रा की टीम एक परफेक्ट स्टार्ट के साथ आज के दिन का शुरुआत जरूर करना चाह रही है। जी हाँ, और आप देखिए कल के दिन का अंत भी उन्होंने चिकन के साथ किया था और वो मोमेंटम क्या वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यही सवाल था हमारा आज के दिन की शुरुआत पे और ऐसा लग रहा है कि वो मोमेंटम पूरी तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी भी टीम हाइड्रा को सर्कल के अंदर आना बाकी रहता है और एजेस जो ईस्टर्न साइड की है वो पूरी तरीके से कंटेस्टेड देखने को मिल रही है। आईकूसा पर है टीम एनटीटी, टीम सीएस, मुश्किल बहुत होगा टीम हाइड्रा के लिए सर्कल के अंदर पहुंचना और उतना ही मुश्किल क्रॉस करके उनको आगे आना है। चलिए हाइड्रा ने व्हीकल्स उठाए और सीधे वो सर्कल के अंदर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्टॉप उन्होंने लिया जरूर है, बट ड्रैगन प्रीस्कोप करके जो इंतजार कर रहे थे स्पर्श, उसका कनेक्शन मिला है उन्हें, लेकिन रणदीप के पोजीशन को अभी पुश इन करना ही पड़ेगा। देखिए सीएस ईस्पोर्ट्स अगला टारगेट बन सकती है जरूर हाइड्रा का, लेकिन ड्रैगन के जिम जैम ये एक बहुत बड़ा काटा लेता है। ड्रैगन के सारे खिलाड़ी रास्ते का काटा बनते हुए नजर आ सकते हैं। मैंने कही थी ये बात कि देखिए वो आएंगे रुजॉग हिल पे और रुजॉग हिल पे आने के बाद सीधा वो जो है बाकी खिलाड़ियों पे अपना प्रहार जताना चाहते हैं। काफी जल्दी जल्दी हम पीओवी को स्विच जरूर कर रहे हैं, बट देखना चाहूंगा कि यहाँ पे टीम हाइड्रा वो आखिर क्या करने वाली है, क्योंकि डुअर ओपी वो अकेले 6 फिनिशेस निकाल चुके हैं, 10 टोटल फिनिशेस जो हमें हाइड्रा ऑफिशियल के पास देखने को मिल जाएंगे। वही बात करें ताकि वो कोई भी रोटेशन काट पाए, हाइड्रा भी काफी अच्छे फॉर्म में है, उनके हाथ गर्म है, बस इंतजार है कि कैसे वो अगर हो पाए तो इस मैच में विनर चिकन डिनर निकाले। उनको पर भी आ रहे हाइड्रा के डुओरा ओपी, अभी कुछ समय पहले ही 1v4 किया था उन्होंने टीम तमिलास को, 6 फिनिशेस वो भी निकाल चुके हैं। 4v2v1 की सिचुएशन, हाइड्रा दो खिलाड़ी मात्र पुश करने के लिए तैयार है, ड्रैगन के खिलाड़ी डुओरा ओपी को खत्म किया जाता है कि कोशिश पूरी की पूरी, एक लौते प्लेयर सिंस छुपे हुए हैं, एक बेहतरीन मौका उनके लिए ये क्लच करके जाने का, लेकिन कूद आएंगे जो कॉर्ड उनको किया गया, नॉक आउट खत्म भी किया जाएगा। हाइड्रा के सिंस Absolutely massive और finally आके Hydra का ये winner chicken dinner उनकी तरफ से आता हुआ बेहतरीन play, 13 finishes।